लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बैंकिंग समझा था, राइट? कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस और ये सब चीजें हम लोगों ने समझी थी, राइट? वो CRR, SLR भी इवन समझाया था और क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन भी मैंने आपको समझाया था, राइट? अब हम लोग आ जाते हैं यूनिट 3 के ही सेकेंड चैप्टर, डेट इज NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज. सो बहुत सारी अलग अलग फाइनेंस कंपनीज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, असेट फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट फंड कंपनी, रेसिडुअरी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, मिसलेनियस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज. सो देयर आर वेरियस टाइप्स. भाई असेट खरीदना हो किसी कंपनी को, उसको उसके लिए लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो ये प्रोवाइड करते हैं ना असेट फाइनेंस कंपनीज. बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है, वो वर्क तो एज अ फाइनेंसिंग का ही करती है, भाई फाइनेंस प्रोवाइड करने का, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म. बट उनका बैंकिंग जैसा पैटर्न नहीं होता है पूरे तरीके से. भाई बैंक जैसे एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स वगैरह और फिर लेंडिंग करती है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जनरली पूरा फाइनेंसिंग का ही काम करती है, ठीक है? सो यहाँ पे थोड़ी डेफिनेशन दी हुई है आपको एक, कि अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी मींस ओनली नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन व्हिच इज अ लोन कंपनी और एन इक्विपमेंट लीजिंग कंपनीज, जो लीज वगैरह पे असेट्स चाहिए होते हैं ना, या प्लांट मशीनरी अभी इतने करोड़ ऑफ रुपीज के आते हैं तो वो लीज करवाने हो तो उसके लिए जनरली ये कंपनीज होती है NBFCs. आजकल NBFCs काफी बढ़ चुकी है आज के टाइम पे तो बहुत सारी, बट ये नहीं पूछते हैं जनरली NBFC रिलेटेड. इस यूनिट के अंदर से, इस चैप्टर के अंदर से इंश्योरेंस, व्हाट इज इंश्योरेंस मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और डिफरेंस बिटवीन जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस ये पूछ सकते हैं, और ये टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस वगैरह. सो व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इंश्योरेंस? Yes, anyone? Insurance, हम लोग करवाते हैं, कार का इंश्योरेंस करवाते हैं, हाउस का हम इंश्योरेंस करवाना चाहे, गुड्स का इंश्योरेंस, हेल्थ का इंश्योरेंस, मेडिक्लेम वगैरह. बहुत सारे लोग, आप लोगों का भी आई थिंक सो मेडिक्लेम वगैरह किया हुआ हो. What is insurance? क्या होता है? मैम, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो वो हमारा इंश्योरेंस होता है तो उसमें से हमें पैसे मिलते हैं. कंपेंसेशन, कंपेंसेशन मिलता है अपने को. मेन चीज क्या होती है, देखो बिजनेस चलता है रिस्क पे, राइट? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. अब रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को तो हम लोग मिटा नहीं सकते, ठीक है, पूरी तरीके से हटा नहीं सकते रिस्क को, एटलीस्ट रिड्यूस कर सकते हैं. कैसे? इंश्योरेंस लेकर हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं. तो जनरली इंश्योरेंस क्या होता है, दो जनों के बीच में, एक इंश्योरेंस कंपनी एंड सेकेंड वन दैट इज जिसने इंश्योरेंस करवाया, राइट? दो जनों के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, टू पर्संस. सो टू पर्संस भी बोल सकते हैं, मतलब दैट इज इंश्योरेंस कंपनी. तो एक होता है इंश्योरर एंड दूसरा होता है इंश्योरी, ठीक है? इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनीज और इंश्योरी मतलब जिसने इंश्योरेंस करवाया, ठीक है? तो जैसे समझ लो इंश्योरर एंड इंश्योरी, ये दोनों के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट. तो इंश्योरी इसको पे करेगी प्रीमियम जितना भी डिटरमाइन हो, और इंश्योरेंस इसको क्या करके देगा, कंपेंसेट कर देगा एट द टाइम ऑफ लॉस, ठीक है? कुछ भी लॉस वगैरह होगा या क्या तो उसको कंपेंसेट करके देगा. तो रिस्क को हम लोग मिटा तो नहीं सकते, लेकिन रिस्क को हम लोग एटलीस्ट रिड्यूस कर सकते हैं. सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस. सो इंश्योरेंस जनरली दो पार्ट्स, लाइफ इंश्योरेंस
एंड जनरल इंश्योरेंस. ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस भी में भी बहुत सारी होते हैं. एक आता है होल लाइफ इंश्योरेंस, जब तक मर नहीं जाए तब तक पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, मरने के बाद उसके नॉमिनी को पैसा दिया जाएगा. ठीक है, हायर को. तो होल लाइफ इंश्योरेंस या इवन एंडोमेंट भी आता है. इसमें क्या बताया है कि इधर है ना टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल 15 इयर्स तक बंदा प्रीमियम पे करता रहेगा और 15 साल के बाद अगर वो जिंदा है तो उसको पैसा दे दिया जाएगा, जितना अमाउंट सम ऑफ अमाउंट इकट्ठा हुआ उसका. अगर ये बंदा मर गया 15 साल बहुत बड़ी बात है यार, तो अगर वो बीच में कहीं पे भी मर गया, कुछ भी हो गया, तो आफ्टर मतलब उसके नॉमिनी को वगैरह को दिया जाएगा पैसा. सो ऐसा भी होता है टाइम पीरियड जिसमें फिक्स हो, और या तो होल लाइफ इंश्योरेंस भी होता है. जनरल इंश्योरेंस में तो इजी है एकदम. फायर इंश्योरेंस, देन मेराइन इंश्योरेंस. आजकल तो इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग में कंपलसरी हो गया है इंश्योरेंस करवाना, विदाउट इंश्योरेंस तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा समझो. देन रोड इंश्योर, रोड ट्रांसपोर्टेशन वाला इंश्योरेंस, या फिर रेलवे में भी इंश्योरेंस वगैरह किया जाता है. तो गुड्स रिलेटेड पूरा का पूरा क्या हो जाता है, इंश्योरेंस आ जाता है. तो इसमें रेलवे ले लो, रोडवेज ले लो, मराइन ले लो, इवन एयरवेज ले लो, सब आ जाता है. और इसी के साथ साथ में यू नो कि बहुत सारी कंपनीज आजकल एम्प्लॉयज का भी करवाती है इंश्योरेंस वगैरह. तो इधर एम्प्लॉयज इंश्योरेंस भी होता है, देन हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और ऐसी सब चीजें भी होती है जनरली. तो ये सब चीजें जनरल इंश्योरेंस में आ जाती है. हेल्थ इंश्योरेंस आपको पूरा यहाँ पे टॉपिक अलग बताया है, जिसमें मेडिक्लेम और ये सब चीजें बताई. मेडिक्लेम भी आजकल डिफरेंट तरीकों के होते हैं यार. सो आपसे क्या पूछेंगे क्वेश्चन, व्हाट इज इंश्योरेंस एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस, ऐसा पूछ सकते हैं. आप लोग तो एमसीक्यू वाले हो, सो आप तो कंसेप्ट ही समझो सिंपली. तो यहाँ पे क्या होता है, इंश्योरेंस में कॉन्ट्रैक्ट होता है. मैं एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ती हूँ ताकि आपको समझ में आए. इंश्योरेंस इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, वेयर बाय वन पार्टी कॉल द इंश्योरर एंड अनदर पार्टी can be called as the insuring. The insurer undertakes to pay a fixed sum of money on the happening of a particular event. मैंने आपको वही चीज लिखी है. Compensate करेगा कौन, insurer का, जब भी कोई event हुआ, कुछ हुआ, मतलब कुछ भी loss वगैरह हुआ उस time. ठीक है, which may be certain or uncertain. And the other party जिसने insurance लिया, वो पार्टी क्या करेगा, पे करेगा फिक्स्ड सम, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम. ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस आपको दे दे. अगर भाई डैश इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, तो एमसीक्यू वगैरह ऐसा नॉर्मल सा पूछ सकते हैं. फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑफकोर्स दो जनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है. देन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. अब भरोसा नहीं है क्योंकि फ्यूचर के रिलेटेड चीज होती है, रिस्क. अब क्या होता है, मतलब हैपनिंग और नॉट हैपनिंग दोनों केसेस हो सकते हैं. फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब ही यहाँ पे ये होता है कि हम लोगों ने जितने का इंश्योरेंस करवाया है उतना ही सामने हमको कंपेंसेट मिलेगा, उससे ज्यादा अपने को नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल अपने पास है अपने 5 लाख के गुड्स. ठीक है, अब हम लोगों ने ये गुड्स है, गुड्स की अमाउंट है, हम लोगों ने इंश्योरेंस करवाया है 3 लाख का. ठीक है, हमने इंश्योरेंस कितने का करवाया है, 3 लाख का. अब मेरे सारे के सारे गुड्स जल गए, फॉर एग्जाम्पल
चोरी हो गई, ये हो गया, पता जो भी हम लोगों ने इंश्योरेंस लिया, अगर जल गए तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी पैसा? मेरे 5 लाख के 5 लाख के गुड्स जल गए तो इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी पैसा? 3 लाख जी, 3 लाख मेरे गुड्स जले 60%, इंश्योरेंस कंपनी 3 लाख का 60%, 3 लाख का 60%, सो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सिंपल। और अगर 5 लाख का ही इंश्योरेंस लिया हो और 60% जल गए, 5 लाख का 60%, 5 लाख का 60%, ठीक है? So this is a contract of indemnity, और ये contract of indemnity life insurance वाले case में नहीं आता है, ध्यान रखना। Life insurance के case में ये वाला indemnity principle नहीं आता है, तो आपसे MCQ पूछ सकते हैं इस चीज के ऊपर। Then bearing of a risk, transfer of risk, मतलब मैंने तो अपना क्या कर दिया insurance करवा के, भाई मेरे सर से तो हट गया risk वगैरह। फिर reduction of risk, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, थोड़ा बहुत रिस्क हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे मैंने किया था 3 लाख का इंश्योरेंस करवाया था, मतलब 2 लाख तक तो मेरे को रिस्क है, बाकी का 3 लाख का तो भरो, मतलब टेंशन नहीं है मुझे। सो ये चीज भी हो सकती है। देन प्रिवेंशन ऑफ लॉस, भाई एटलीस्ट मतलब पूरा देखो, गुड्स भले जल गए ठीक है, पैसा तो मिल गया, फिर से रिनोवेट करवा सकते हम लोग और फिर से हम लोग परचेज कर सकते हैं गुड्स वगैरह जो भी जितना भी, एटलीस्ट जो भी होगा तो हम लोग तैयार है। इंश्योरेंस क्या है? एक प्रिवेंशन है, जस्ट कि भाई लॉस होगा भी तो वी आर रेडी फॉर इट। तो यहाँ पे आपके इंश्योरेंस के आ जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर होल लाइफ इंश्योरेंस बताया, जो मैंने आपको बताया, एंडोमेंट पॉलिसी भी बताई है। देखो मैं इसको थोड़ा रीड करती हूँ, एंडोमेंट पॉलिसी और टर्म इंश्योरेंस भी बताया हुआ है। मनी बैक पॉलिसी मतलब है वही घुमा फिरा क्या, इन लोगों की अलग अलग खाली स्कीम्स होती है। देखो होल लाइफ में क्या बताया है, होल लाइफ पॉलिसी मींस द पॉलिसी होल्डर कीप्स ऑन पेइंग द प्रीमियम थ्रू आउट द लाइफ टाइम, ऑन हिज डेथ द मनी इज हैंडेड ओवर टू हिज फैमिली। इट इज नॉट दैट मच पॉपुलर एंड सक्सेस due to heavy premium as well as short term or long term needs of insurer cannot be fulfilled. ab mere ko batao life insurance whole life insurance karwaye bhi fayda kya milega usse, ye to family ko fayda milega piche, ha bhai theek hai financial support mil gaya, jab tak hum zinda hai short term long term to apne ko to mil hi nahi raha fayda kuch bhi, puri zindagi mein premium badhte raho to itna zyada successful ये वाला नहीं है। Next आ जाता है, that is term insurance. So term insurance policy means the policy holder keeping on paying the premium for a specific period with a low premium, premium भी low और कुछ time limit. So the sum assured is payable only the death of the policy holder if he dies within term of the policy. However, if the policy holder survives up to the date of maturity, he is not entitled to get any payment on death. ये मजेदार वाली बात ये है टर्म इंश्योरेंस की, टाइम पीरियड फिक्स के लिए 10 साल के लिए प्रीमियम बढ़ने का, एकदम लो प्रीमियम। अब इंसान जिंदा होगा उसको नहीं मिलेगा पैसा, इंसान मर जाएगा ना उसके बाद ही पैसा मिलेगा उसको टर्म इंश्योरेंस में, लेकिन टाइम पीरियड फिक्स और प्रीमियम लो। कैसा है, अलग स्कीम है एकदम। एंडोमेंट में जो मैंने आपको बताया कि अगर इंसान जिंदा है तो उसको दे दिया जाएगा पैसा, ले लो अपने पास ले। सो एंडोमेंट पॉलिसी इज वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट ही है ना, अभी LIC और इन सब के लिए तो ये सब पॉलिसीज प्रोडक्ट ही होती है, विच मोबिलाइजेस लार्ज मार्केट बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस अ लॉन्ग टर्म सेविंग फैसिलिटी, एक सेविंग तरीके के फैसिलिटी है एंडोमेंट विद अ मैक्सिमम रिस्क कवरेज। रिस्क भी भाई अभी कुछ भी हो जाता है तो ठीक है ना, 15 साल ने किसने देखा है, अगर डेथ भी हो जाती है तो मेरी फैमिली को तो सपोर्ट है ही है, और अगर मैं जिंदा होगा तो पहले होगी उस पर दे देंगे। डेथ अगर होती है पहले, हो जाती है तो दे दिया जाएगा, अगर मैच्योरिटी पीरियड पहले उनका कंप्लीट हो जाता है
तो तभी पैसा दिया जाएगा, एकदम इजी वाली है। फिर है मनी बैक पॉलिसी भी। सो मनी बैक पॉलिसी मीन्स द सम गारंटीड इन रिटर्न एज अ लंप सम ऑन और आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ इंटरवल्स। In this policy, the policy holder receives the fixed sum of money at the fixed interval during the term of policy as well as at the end of maturity of the policy. It is also popular because it fulfills the needs of investors for the short term finance. So, हम लोग premium भरते रहे, एक साल के बाद, दो साल के बाद अगर हम लोगों ने करवाया हो, भाई इतना पैसा मिल जाए, इतना पैसा मिल जाए, छोटे छोटे intervals पे भी पैसा मिलेगा और last में maturity पे आपका पूरा पैसा complete हो जाएगा। तो ऐसा भी है, करवा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीकों की लाइफ इंश्योरेंस है, बट लाइफ इंश्योरेंस में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले LIC, उसके बाद अभी तो बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एस्टेब्लिश हो चुकी है, बट LIC जो कि एक पब्लिक कॉर्पोरेशन तरीके से मानी जाती है, और LIC एस्टेब्लिश हुई थी 1956 में, ठीक है। सो आई थिंक सो, हाँ, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का वो डिफरेंस बिटवीन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपको पता चले। जनरल इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ था 1972, हाँ 72 के अंदर, और लाइफ इंश्योरेंस LIC 1956। फिर है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। सो इट इज जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड, जैसे म्यूचुअल फंड्स में हम लोग डालते करते हैं प्रीमियम वगैरह, इन्वेस्ट करें हम लोग म्यूचुअल फंड्स में, सो इट इज जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड, ऐसा भी है। फिर ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, एम्प्लॉयज वगैरह का ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस वगैरह करना हो या क्या, तो वो सब भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो लाइफ इंश्योरेंस में लोग इन्वेस्ट इसी वजह से करते हैं ताकि टैक्स बेनिफिट मिल सके उनको, सबसे बड़ी चीज, क्योंकि अगर आपने टैक्सेशन पढ़ा, हाँ अभी आप लोगों को सेकेंड ईयर में वो टैक्सेशन तो पढ़ा ही होगा। टैक्सेशन में अभी तो आई थिंक सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और आपने क्या पढ़ा होगा, बस ये दो चीजें ही पढ़ी होगी आपने टैक्सेशन में। नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ोगे डिडक्शंस आएंगे टैक्सेशन के अंदर। तो मतलब लाइफ इंश्योरेंस आता है कि भाई अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, और अप टू अगर 1,50,000 तक हम लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं भरने का, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो इसी वजह से लोग इन्वेस्ट करते, एक जरिया है भाई टैक्स कम पे करने का, अपने पास ये डिडक्शन मिल जाता है अपने को, टैक्स बेनिफिट। यहाँ पे आपके बुक में 1,00,000 दिया हुआ है, लेकिन ये 1,50,000 कर दिया है अभी अमाउंट। फिर फैमिली मेंबर्स के लिए बेनिफिट है, और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन सेफ्टी है रिटायर्ड इंडिविजुअल्स के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। एंड इवन अदर बेनिफिट्स भी, के चाइल्ड मैरिज, मतलब अभी बच्चे की शादी करवानी होगी या क्या, तो एंडोमेंट करवा दिया 15 साल के लिए, तो जान छुट्टी के भाई, हाँ थोड़ा थोड़ा प्रीमियम बढ़ते रहेंगे, सेविंग का सेविंग भी होता रहेगा। तो ये सारे पर्पसेस होते हैं, एडवांटेज है। और फिर उसके बाद आपको जनरल इंश्योरेंस में फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल, हम लोग अपने कार और टू व्हीलर और इन सब का करवाते ही है, एविएशन दैट इज एयरवेज इंश्योरेंस, और मिसलेनियस छोटे मोटे इंश्योरेंस होते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन हुआ उसका 1972, ठीक है, और इसका एक्ट पास हुआ था पहली 1st जनवरी 1973, गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन किया था। बट आफ्टर प्राइवेटाइजेशन, मतलब 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद, जनरल इंश्योरेंस में भी प्राइवेटाइज हुआ। ऐसा नहीं है कि पहले, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस गवर्नमेंट ही पूरा हैंडल आउट करता था, जैसे लाइफ इंश्योरेंस भी पब्लिक सेक्टर का ही पार्ट है, तो उसी तरीके से जनरल इंश्योरेंस भी यूं था। बट 1991 के बाद धीरे धीरे आओ प्राइवेट सेक्टर उनको भी आने दिया। तो अभी जैसे इतनी सारी ICICI जनरल इंश्योरेंस है, फिर बिरला की जनरल इंश्योरेंस है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनकी जनरल इंश्योरेंस है। इवन यू नो के जॉइंट वेंचर्स भी हुए इसके ऊपर, तो जनरल इंश्योरेंस में, जैसे इफको कंपनी है, तो इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इंडो जापान कोलैबोरेशन हुआ, तो ऐसा सब भी हुआ है जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो आपको बेसिक पता है फायर इंश्योरेंस, यू नो अबाउट द फायर इंश्योरेंस क्या होता है, इंडेमनीफाई किया जाता है अगर आग वाग लग जाती है कुछ भी, तो उसके रिलेटेड कंपेंसेशन मिल जाता है। मोटर व्हीकल रिलेटेड भी आप लोगों को पता है, कार कहीं पे भी ठोक डाली अपने ने, टू व्हीलर उड़ा डाला कहीं पे भी ठोका, तो अब
अपने को डाल दो इंश्योरेंस में, सब कुछ पूरा मस्त पूरी पैटी पैक गाड़ी तैयार होके वापस आएगी इंश्योरेंस से। तो हम लोग ये सब जनरली करवाते हैं, आजकल तो कंपलसरी करवाना ही पड़ता है कार्स और ये टू व्हीलर्स वगैरह, ठीक है। सो इधर है काफी ओन डैमेज पॉलिसी भी है और थर्ड पार्टी डैमेज वाला भी है, उसके लिए भी इंश्योरेंस है ही भाई इसमें मोटर व्हीकल में, ठीक है। सो टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स जो भी हो ये सब। और फिर मराइन इंश्योरेंस है, सो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट है, यू नो सबसे ओल्डेस्ट मराइन इंश्योरेंस, क्योंकि हमारे इंडिया में फॉरेन ट्रेड कब से चल रहा है आप मुझे बताओ, कितना टाइम हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब चीजों को देख के, तो हाँ ब्रिटिशर्स जो राज था वो इसी सब ट्रेडिंग की वजह से ही तो हुआ, तो उस वक्त से मतलब आप सोचो जो भी सिविलाइजेशन था हमारा मोहनजोदड़ो हरप्पन सिविलाइजेशन, उससे भी पहले की बात है जब से ये मराइन इंश्योरेंस का तरीका आया हुआ है, तो तब से वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है और कंपल्सरी है आजकल तो करना ही पड़ता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो करवाना ही पड़ता है। सो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज एविएशन इंश्योरेंस। सो यस, एयर में भी थोड़ा रिस्की वगैरह आ जाता है, इसके साथ साथ में जैसे रेल रोड ये सब में भी इंश्योरेंस करवाना ही पड़ता है, क्योंकि जहां गुड्स ट्रांसपोर्ट होंगे वहां पे इंश्योरेंस करवाना ही पड़ता है, ठीक है। और मिसलेनियस में यहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन इंश्योरेंस, या फिर इवन लाइफ स्टॉक रिलेटेड भी लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, क्रॉप्स रिलेटेड इंश्योरेंस करवाते हैं, ऐसे बेसिक वाले भी है जस्ट। हाँ यहाँ पे आपको कंपनीज दी हुई है, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी दी हुई है, दैट इज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं इसके अंदर से, फुल फॉर्म दे दें, ECGC बताओ। सो दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना इसके अंदर पब्लिक सेक्टर रिलेटेड और प्राइवेट सेक्टर, देखो पहला बताया प्राइवेट सेक्टर के अंदर इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, HDFC चब जनरल इंश्योरेंस, द रॉयल सुंदरम एलियंस इंश्योरेंस, ICICI लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस, टाटा AIG, ये सब तो नाम आप लोगों ने सुने भी हुए हैं, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, फिर चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस एंड स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना MCQs वगैरह आपसे पूछ सकते हैं। फिर हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड बताया है, तो हेल्थ इंश्योरेंस अभी आपको पता हो तो जैसे बैंकिंग सेक्टर पे RBI कंट्रोल करता है, पूरा रेगुलेट करता है, सेम एज इट इज इंश्योरेंस कंपनी पे जो रेगुलेट करता है दैट कैन बी कॉल्ड एज एन IRDA, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA 1999 इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1999। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह हुए ना, ये इस वजह से हुआ, ये सब डेवलप किया है और इसको हैंडओवर किया सब कुछ। तब हेल्थ इंश्योरेंस अब कुछ भी हो अपने, मतलब कुछ चीजों के लिमिट आ जाती है कि भाई कुछ बीमारी वगैरह होती है तो चलो बुखार आ गया, या फिर कोई स्टोन का इशू आ गया, या फिर हम लोग को जो नॉर्मल थोड़ी बहुत जो नोन बीमारियां होती है उसके लिए हम लोगों को मेडिक्लेम मिल जाता है रिटर्न में, कैशलेस वगैरह आजकल तो सब चल रहा है। बट कुछ चीजें हैं जैसे कैंसर हो गया, फिर इवन आईज रिलेटेड भी, जैसे अगर मुझे ऑपरेशन करवाना हो आईज का तो नहीं, उसमें मेडिक्लेम नहीं मिलेगा। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जिनमें मेडिक्लेम नहीं मिलता है, और कोई कोई चीजें आजकल ठीक है हो गई है कि भाई कोई कोई कंपनीज है वो जो आईज वगैरह के लिए भी मेडिक्लेम वगैरह दे देती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड पॉलिसी बताइए मेडिक्लेम की, कि स्टैंडर्ड पॉलिसी में क्या होता है, जितना भी आपका बिल वगैरह निकला होगा, रिपोर्ट्स करवाई होगी हॉस्पिटल का, जितना भी खर्चा होगा रूम वगैरह, तो आपने जैसे 5 लाख का अगर आपने मेडिक्लेम करवाया
ठीक है, तो इसमें हो सकता है 5 लाख में कैसे पापा का 2 लाख का, मम्मी का 2 लाख का और बच्चे का 1 लाख का, ऐसे भी हो सकता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और इसमें क्या होगा फिर, अगर कुछ भी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ पापा को होता है तो उनको 2 लाख तक ही सब कुछ मिलेगा, ठीक है, वो स्टैंडर्ड पॉलिसी चलती है मेडिक्लेम के अंदर। और अभी के नाउडेज अभी फ्लोटर पॉलिसी भी आई हुई है, फ्लोटर में क्या हो क्या है, 5 लाख अगर करवाया, भले वो 2 लाख पापा का, 2 लाख मम्मा का और 1 लाख बच्चे का, तो अभी क्या हो गया फ्लोटर पॉलिसी में 5 लाख तक कोई भी ले सकता है, कितना मतलब यूज कर सकता है, 5 लाख अप टू कोई भी मम्मा पापा या फिर वो बेबी जो भी। पहले क्या था स्टैंडर्ड पॉलिसी में क्या है जनरली कि वो जितना जितना अमाउंट लिखा हुआ है उतने तक ही वो उनको कंपेंसेशन मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इवन आप कितने का मेडिक्लेम ले रहे हो उसके बेसिस पे भी डिपेंड करता है कि आपको हॉस्पिटल के अंदर जो रूम मिला जाएगा वो स्पेशल रूम दिया जाएगा या सेमी स्पेशल होगा या क्या, वो सब चीजें इसके अंदर लिखी हुई होती है कि हाँ भाई आपका इधर तक मेडिक्लेम लिया हुआ है इतने रुपीज का, तो आपको सेमी स्पेशल ही रूम दिया जाएगा, मतलब अप टू 2000 तक आप हॉस्पिटल में रूम ले सकते हो, जिसका कॉस्ट 2000 हो या अप टू 5000 हो, ऐसा सब कुछ क्लियरली मेंशन होता है जब अपने पॉलिसी लेते हैं। एंड एवरी ईयर हम लोगों को मेडिक्लेम में साल एक साल में एक ही बार हम लोगों को प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो वो सम ऑफ अमाउंट जस्ट, और उसका कोई रिटर्न आता नहीं है, मतलब अगर हम लोगों को साल भर कुछ नहीं हुआ सो दैट्स गुड फॉर अवर सेल्फ, बट वो पैसे गए, मतलब ऐसा समझ लो कि हमारा इस साल तो कुछ भी नहीं हुआ। सो काफी हमारे हेल्थ रिलेटेड, अभी क्योंकि आपको पता है कि खर्चे कितने हैं हॉस्पिटल के अगर कुछ भी होता है, तो इट्स बेटर कि हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवा दें अपना, ताकि जब भी कुछ भी होगा तो एक साथ हमारे ऊपर बर्डन नहीं आएगा ना, तो उस वक्त कैश होना या फिनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्या है, घर की हालत कैसी है, तो मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मेडिक्लेम से ये चीज का बेनिफिट मिल जाता है। मैंने तो करवाया हुआ है तो हम लोगों को पता है उस चीज के रिलेटेड, और मैंने तो यूज भी किया है बहुत बार, ठीक है। फिर रीइंबर्समेंट भी है इसके अंदर, रीइंबर्समेंट पॉलिसी, तो दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस in which policy holder has to bear all the medical expenses initially. पहले खुद हम लोगों को देने के, फिर हम लोगों को application वगैरह लिख कर देने की, और सामने insurance company हम लोगों को reimburse करके देगी उतना amount. ऐसा भी होता है, ठीक है। फिर एक cashless policy जो चल रही है, चुपचाप करके बता दो मेरा insurance है, special room में चले जाओ hospital के, आराम से बैठो 2-4 दिन जो भी दवाइयां ववाइयां चलती है तुम्हारी, जो हॉस्पिटल वाले यूज करे जाके करे तो करे, हम लोग मस्त हमारे स्पेशल रूम में टीवी भी लगी हुई होगी मस्त से देखने की, एंजॉय करने का, वापस आ जाने का करते। तो आजकल यू नो कि ऐसा सब कुछ हो चुका है हॉस्पिटल्स के अंदर भी, आपको पता है कोई होटल रूम से कम नहीं होता है हॉस्पिटल का स्पेशल रूम भी, अब अच्छी अच्छी हॉस्पिटल अपोलो राजस्थान या फिर इवन उस साइड शेल्बी और ऐसे सब जो हॉस्पिटल्स हैं ज़ाइडर्स वगैरह, होटल होटल फीकी पड़ जाए उनके सामने इतनी सारी। तो कैशलेस में तो काफी हो ही चुका है, इवन कैंसर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी इंश्योरेंस निकाला हुआ है डिफरेंट टाइप का, बट इतना ज्यादा इसका मेरे को नहीं लगता है एप्लीकेबल है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और मेडिक्लेम पॉलिसी फॉर अ ग्रुप, सो ग्रुप का भी हम लोग एक साथ मेडिक्लेम करवा सकते हैं, तो उसमें हम लोगों को फायदा वगैरह मिल जाता है, हेल्थ चेकअप वगैरह जो भी करवाना तो उसमें फायदा मिलता है अपने को, ठीक है। फिर जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताया हुआ है, दोनों की मीनिंग बताई है। सो जैसे जनरल इंश्योरेंस में हम लोगों ने देखा इल हेल्थ एक्सीडेंट्स फायर और ये सब चीजें आ जाती है, लाइफ इंश्योरेंस में तो लाइफ इज वेरी प्रीशियस और अनप्रेडिक्टेबल है, एकदम कभी कुछ भी हो जाता है, तो लाइफ इंश्योरेंस करवाना जरूरी होता है ऐसे। फिर एस्टैब्लिशमेंट, तो जनरल इंश्योरेंस एस्टैब्लिश हुआ है 1850 में, हाँ एस्टैब्लिश हुआ है 1850 में, लेकिन उसका नेशनलाइजेशन मेरे को ईयर याद था 1972। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एस्टैब्लिश हुआ 1912 में,
हाँ देखो नीचे लिखा हुआ है इसका रेगुलेशन जो हुआ, जनरल इंश्योरेंस का 1972 और लाइफ इंश्योरेंस का 1956। हाँ ये नेशनलाइजेशन का है। और बिजनेस तो स्टार्ट हो गया था लाइफ इंश्योरेंस का भी 1912 से, बट एक्चुअली जो लाइफ इंश्योरेंस आया LIC जो हम लोग जानते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो 1956 से, ठीक है। और टाइप ऑफ इंश्योरेंस यहाँ पे कौन से आते हैं, तो फायर, मराइन, व्हीकल एंड अदर। और लाइफ इंश्योरेंस में आपने देखा होल लाइफ इंश्योरेंस, टर्म, एंडोमेंट, मनी बैक और ये सब। रिस्क पीरियड, तो जनरल इंश्योरेंस में तो शॉर्ट पीरियड ही रहता है सिंपली, एक साल तक, और फिर आपको फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है। और यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस तो नाम से ही लाइफ इंश्योरेंस, लॉन्ग टर्म। फिर रिटर्न्स, सो इट डज नॉट प्रोवाइड एनी रिटर्न, जैसे मैंने आपको बताया मेडिक्लेम हो, फायर इंश्योरेंस हो, ऐसा गया समझो, मतलब एक टेंशन तो नहीं है ना यार, मेन बात वो है। और यहाँ पे तो रिटर्न मिलना ही है फैमिली को, या तो फिर इंसान जिंदा होगा तो उसको। फिर नो क्लेम बोनस, सो इट प्रोवाइड्स नो क्लेम बोनस इन केस ऑफ द पॉलिसी होल्डर हैज नो नॉट क्लेम इन द फर्स्ट ईयर, रिन्यू द पॉलिसी एट द ईयर एंड, एंड सच प्रोविजन ऑफ नो क्लेम बोनस बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल। यहाँ पे नो क्लेम बोनस मिल सकता है अगर रिन्यू करवाना हो तो, हम लोग रिन्यू वगैरह करवा सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसी चीज नहीं होती। फिर टैक्स बेनिफिट, जनरल इंश्योरेंस में टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस में टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो मैंने आपको बताया। डिडक्शन है उसका सेक्शन है 80C, इसमें टैक्स जो आप पढ़ते हो ना टैक्सेशन, उसके अंदर एक चैप्टर आएगा आपको नेक्स्ट सेमेस्टर, तो डिडक्शन पूरा चैप्टर होगा। 80C से लेकर 80U तक डिडक्शन होंगे, और पहला डिडक्शन ये आता है 80C के अंदर लाइफ इंश्योरेंस। फिर है नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, सो 15 जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड ECGC। ECGC रिलेटेड फुल फॉर्म पूछते हैं हम, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, पीछे से अलग अलग बनाकर देंगे कंपनी कॉर्पोरेशन ऐसा सब करके। और लाइफ इंश्योरेंस में टोटल 16 है, अभी ये तो बढ़ गई है, ये वाली पॉइंट नहीं भी लिखोगे या नहीं समझोगे तो दैट्स इट, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी तो जनरल इंश्योरेंस बहुत सारी कंपनीज हो गई है, ठीक है, खत्म हो गया यूनिट ये वाला, ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट अब हम लोग लेंगे नेक्स्ट वीक लेक्चर, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है, और फिर तो मैं सीधा यूनिट 2 राइट शेयर, बोनस शेयर, पब्लिक इशू, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।